यूं तो भगवान राम के अनेक भक्त आपने देखे होंगे, लेकिन तहजीब के शहर लखनऊ में एक ऐसे मौलाना रहते हैं जिन्होंने सिर्फ राम भक्ति में ही हिंदू धर्म के चारों वेदों और साथ में 18 पुराणों को पढ़ लिया। यही नहीं, मक्का मदीना में भी जाकर इन्होंने हिंदू धर्म के वेदों की स्तुति की, जिस पर इन्हें वहाँ पर सम्मानित किया गया। यही नहीं, रामायण की इन्हें तमाम चौपाइयाँ भी याद है। जब यह उन चौपाइयों को सुनते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दरअसल इनका नाम है मौलाना वहीदुल्ला अंसारी की चतुर्वेदी, जो लखनऊ के दारुल सफा विधायक कॉलोनी में रहते हैं। जब इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों से वह हिंदू धर्म के वेद पुराणों को पढ़ रहे हैं। जब चारों वेद का ज्ञान इनको हो गया तो इन्होंने अपने नाम के आगे चतुर्वेदी लगा लिया, क्योंकि जिसे चारों वेदों का ज्ञान होता है उसे ही चतुर्वेदी कहते हैं। मौलाना वहीदुल्ला अंसारी की चतुर्वेदी कहते हैं कि भगवान राम सबके अलग अलग हैं। भगवान राम इस धरती पर प्रकट इसीलिए हुए थे ताकि समाज को अच्छा संदेश दे सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो संदेश समाज को दिया, त्याग, बलिदान और संघर्ष का, अगर उसका 1% भी लोग अपने जीवन में अनुसरण करे तो समाज से सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी और अमन चैन बरकरार रहेगा। मौलाना वहीदुल्ला अंसारी की चतुर्वेदी से जब 18 पुराणों के नाम पूछे गए तो वह बिना रुके और बिना थके बताते हैं कि हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वेवर्त पुराण, लिंग पुराण, वारह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गुरुर पुराण और ब्रह्मांड पुराण। बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन करे कर्म विद नाना, आनंद ही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है वही परमेश्वर है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ये तो दुनिया वालों के सामने इसलिए प्रकट हुए कि दुनिया इनके आचरणों को, इनके 24 घंटे की लाइफ को देखे और उसका जो है वो अनुसरण करें। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको कितना जो पुराण है, कितने का ज्ञान है? 18 आपने हमने सुना है। हाँ जी, 18 सुना है हमने, बताया श्री विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, उत्तर भूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भास पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, ये 18 पुराण हैं। हम जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं उनसे बड़े अदब से निवेदन करेंगे, सिर्फ वो 18 नहीं, 17 पुराण छोड़ के सिर्फ कल्कि पुराण 18वां पुराण पूरा पढ़ लें, और उसमें जो ज्ञान ध्यान की बातें हैं उसका थोड़ा सा अनुसरण कर लें तो पूरी दुनिया में, जगत गुरु तो है ही भारत हमारा, मगर पूरी दुनिया में अमन और सलामती आ जाए, ऐसा सुंदर वर्णन है उसमें। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप भी राम मंदिर जाएंगे दर्शन? जरूर जाएंगे, हम इससे पहले भी गए हैं। जब राम लला सिर्फ पिंडाल में थे तो 40 लोग आए थे पूना में, पूना से दर्शन करने, उसमें हम भी किए, और उन्होंने कहा था कि सर, यहाँ की गवर्नमेंट से भी उन्होंने निवेदन की थी कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे दे तो हम इसको वैंटिकल सिटी बना देंगे, इतना शानदार कि लोग बाहर नहीं जाएंगे फिर यहीं आएंगे दर्शन करने, मगर उनको नहीं दिया। अब नेताओं को अपना भुनाना था कुछ ना कुछ, उनको भी तो कुछ मुद्दा चाहिए। बहरहाल जो होना था वो हुआ, और जब वो होने जा रहा है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। सर, आपका नाम बहुत दिलचस्प है। अब इत्तेफाक से चतुर्वेदी चारों वेदों को ग्रहण किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, ये चार वेद हैं, इसको हमने ग्रहण किया, इसको पढ़ा, इसमें जो अच्छी बातें थी उसको हमने लिया उसमें से। किस उम्र में शुरू किया था? हमने ये शुरू किया, अब तो 72 प्लस हैं, और यूँ समझ लीजिए कि 2012 से हम ये प्रवचन कर रहे हैं। विदेशों में भी दो मरतबा जो है वो मक्का भी गए, मक्का मदीना भी गए, 3 प्रोग्राम हमारे मक्का में भी हुए, वहाँ की हुकूमत की इजाज़त से हुए। और सर, बात करें मंदिरों की तो कितने मंदिर आप घूमे? बहुत सारे मंदिरों में घूमे। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है आपने कही। बेटा, कुछ दिन तो हमने गवर्नमेंट में सर्विस की, वो नहीं बताएंगे आपको, मगर हम 50 साल से मिठाई की दुकान चला रहे हैं गोंडा में, शानदार मेरी स्वीट शॉप है, 51 साल पुरानी,
और हमारे तीन बेटे हैं, तीनों उसी दुकान पर रहते हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि हमारी सारी ज़रूरत पूरी हो रही है। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कल्याण मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाएं।